क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के आधे लोगों को जेल में बंद कर देंगे? 112 लोगों को एक साथ भेजा जेल, क्या पूरे बिहार को जेल में बंद करने की है प्लानिंग? एक ही दिन में बिहार के एक ही जिले से 112 लोगों को भेजा गया जेल। 112 लोगों के परिजनों के भारी बवाल के बाद भी नहीं छोड़ा गया लोगों को। क्या बिहार में मचे सियासी बवाल के बीच नीतीश कुमार पूरे बिहार के लोगों को जेल में बंद कर देंगे? बिहार के एक ही जिले से एक ही दिन में कुल 112 लोगों को एक साथ जेल भेजने की ये तस्वीर यही बता रही है कि अब बिहार में सरकार और उसके तंत्र पूरे बिहार को जेल में बंद करने की तैयारी में लग गई है। आपने तो सुना ही होगा कि एक राजा ने एक आदेश निकाला और उस राजा की पूरी सेना उस आदेश का पालन कराने में जुट गई। ठीक ऐसा ही बिहार में हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना रोड मैप तैयार किए एक ऐसा आदेश पारित कर दिया जो किसी भी तरह से जनहित में नहीं था। बिना जनता की राय जाने, जनता के हित का हवाला देते हुए एक कानून पारित कर दिया गया और तब से लोगों को जेल में ठूसना शुरू कर दिया गया। ये तस्वीर बिहार के बेगूसराय जिले की है, जहां एक साथ 112 लोगों को जेल भेजने के दौरान हंगामा बरपा है। एक ही दिन में 112 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सबों पर केस दर्ज किया गया और फिर जेल में ठूस दिया गया। जिस दौरान बेगूसराय के कोर्ट परिसर के पास अफरा दफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। दरअसल शराब के मामले में एक साथ कुल 112 लोगों को गिरफ्तार कर जेल ले जा रहे कैदी वाहन को रोककर गिरफ्तार लोगों के परिजनों ने व्यवहार न्यायालय के गेट के सामने घंटों हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि जबरन शराब बेचने और पीने के आरोप में घर से बच्चे बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 दिनों तक दिनकर भवन में कैद रखा गया। जब भी इस मामले में किसी भी अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फाइन करके छोड़ दिया जाएगा। बावजूद इसके शुक्रवार को सभी गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। इसी से नाराज आक्रोशित बंदी के परिजनों ने कैदी वाहन को रोककर जमकर हंगामा किया। जो ने किया है वो भी सभी को पकड़ के ले जा रहे हैं। निर्दोष आदमी 3 दिन 4 दिन से रखे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे। जबरन घर से भी खींच के लाए हैं, यहाँ गाड़ी में बैठा लिए, छोड़ नहीं रहे हैं। फाइन करके भी नहीं छोड़ रहे हैं, पहला दफा है। हंगामे को बढ़ता देख मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस और कई पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह मामले को शांत कराया और कैदी वाहन को रवाना किया। दरअसल शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 70 शराब कारोबारी और 40 शराब पीने वाले सहित कुल 112 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राज्य मुख्यालय के निर्देश पर बेगूसराय जिले में सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कुछ कैदियों का, हाँ, इसकी सूचना मुझे दी गई है। कुछ कैदियों के परिजनों का था कि भाई हमारे लोगों को जेल नहीं भेजा जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं, सब पीने या बेचने के आरोप में थे, उनको तो महाअभियान के तहत जेल भेजा ही जाना था। हमारे थे वहाँ पर ऑफिसर्स, थे बल थे, उनके द्वारा उनको समझा बुझा कर नियंत्रित करके उनको जेल भेजा जा चुका है। वर्तमान परिस्थिति में अभी ऐसी कोई बात नहीं, सारे लोग जेल जा चुके हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार के जेलों में शराब पीने के आरोप में लाखों लोग बंद हैं या हुए हैं। शासन और प्रशासन शराब पीने वालों को जेल में बंद कर रही है, पर सवाल ये है कि आखिर शराबबंदी वाले बिहार में शराब बिक कैसे रही है और इसे रोकने के लिए सरकार और सरकारी तंत्र फेल क्यों हो रहे हैं? सारा तंत्र शराबियों को पकड़ने में लगा है, शराब कैसे बिक रही है इस पर ना तो सरकार के पास कोई जवाब है और ना ही इसके नुमाइंदों के पास।
और ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब कोई कानून बिना रोड मैप और तैयारी के लाई जाएगी तो उस कानून का यही हाल होगा। भले ही राजा के आदेश का पालन कराने में पूरी प्रजा को जेल ही क्यों ना भेजना पड़े। दिवेश तरुण, न्यूज लाइव, बेगूसराय।